नमस्कार दोस्तों। जैसे आप सब स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से आगे। जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद भी प्रसन्न नहीं होता और ना द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, मतलब स्थिर है। प्रज्ञा मतलब उसकी जो वचन होता है। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को के विषय से परावर्त कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मतलब अपने अपने शरीर को, इंद्रियों को सब काबू में कर लेता है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। तो हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान होती हैं कि जो मनुष्य इस इंद्रिय को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन की बुद्धि भी या मन को भी हर लेती हैं ये इंद्रियां। तो मतलब ये जो हमारी इंद्रियां हैं बहुत शक्तिशाली होती हैं, इसको काबू जो कर लेता है वो मतलब स्त्री बुद्धि वाला हो जाता है। मतलब उसे ना सुख का ज़्यादा वो रहता है ना किसी उसका। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए श्लोक के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।